हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। फिजिकल वर्ल्ड ये चैप्टर है, ये हमने स्टार्ट कर दिया है पार्ट फर्स्ट में। ये पूरा चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी हम बात करेंगे जो हमने फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन दी नेचर हमने बात की थी फर्स्ट वाली वीडियो में, उसी को ही आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो ये आपके जो प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है वो ग्रेड 11 के लिए है, और साथ ही IIT, JEE, NEET, साइंटिफिक असिस्टेंट, टीचिंग जॉब्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी फिजिक्स आती है वो यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो यूनिवर्स में, अपने पूरे यूनिवर्स में जो फंडामेंटल जो फोर्सेज हैं, सिर्फ उनकी बात करने वाले हैं। तो वो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं फोर, और उसके पहले हम जान लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो वी सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ्स, कार्स, बसेस, एयरप्लेन्स, बोट्स एंड एनिमल्स आर एग्जांपल ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इज सेड टू बी इन मोशन। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी जगह स्टेबल है तब तो वो क्या कहलाता है, वो रेस्ट में कहलाता है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किस में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। लेकिन यहाँ बात आती है कि कार, बसेस, एयरप्लेन्स, बोट्स, एनिमल्स, या फिर अपन मान लो कि हम लोग जो मूव करते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, वो किस वजह से मूव कर पाते हैं, और जो वजह है वही क्या है, फोर्स है। यहाँ हम तीन एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास, व्हाट मेक्स द बॉल मूव। तो क्या है जो बॉल को मूव करवा रहा है, द मैन पुशेस द बॉल विद हिज रैकेट। तो ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है बॉल को रैकेट्स के थ्रू। सेकंड पिक में हम देखते हैं, व्हाट मेक्स द कार मूव। तो कार को मूव कौन करवा पा रहा है यहाँ पर, अ मैन पुशेस द कार, ये पुश कर रहा है। तीसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, व्हाट मेक्स द वेगन मूव। तो वेगन को मूव कौन कर रहा है और किस वजह से वेगन मूव हो रहा है, द चाइल्ड पुल्स द वेगन। अब तीनों एग्जाम्पल में, फर्स्ट जो दो एग्जाम्पल्स हैं उनमें हम देखते हैं कि दोनों को ही पुश करने के कारण वो ऑब्जेक्ट्स क्या हुए हैं, मूव हुए हैं, मूव कर पाए हैं। थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, उसको पुल किया जा रहा है। तो यहाँ पर पुश एंड पुल का जो काम हो रहा है वही क्या है, फोर्स है। इन द अबव पिक्चर्स द ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग मूव्ड बाय अ पुश और अ पुल। तो हम क्या कह सकते हैं, पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ फोर्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पर फोर्स आपको क्या ध्यान रखना है, दो चीजें याद रखनी है, पुश एंड पुल। हम बात कर रहे थे चार फोर्सेस जो कि हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो हमारा जो यूनिवर्स जिस फोर्स के कारण एक दूसरे से जो बंधा हुआ है, जो बाइंड करता है एक दूसरे को, वही क्या है, फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, देर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। जहाँ पर वर्ड आ जाता है म्यूचुअल, यानी वहाँ दो चीज़ें काम कर रही है, दो के बीच में ये क्या है, फोर्स है। अब वो है क्या दो चीज़ें, देखो, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्चू ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ बात आती है कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस के बीच में ये क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और वो कैसा फोर्स है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खुद से बांधे रखता है। दो तरह के फोर्सेज होते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो यहाँ बात हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की, और आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट्स को परस्पर बांधे रखने के लिए ये क्या होता है, काम में आता है। इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो वहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको
मान लो अर्थ की तरफ हम फेंकते हैं, नीचे फेंकते हैं, तो वो क्या करती है, अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ क्या है, अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स क्या है जो हम फेंक रहे हैं अर्थ की तरफ, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दोनों के बीच में वही ग्रेविटी काम कर रही है, इस वजह से कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ खींचता है, अर्थ की तरफ खींचा चला जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर हवा में तैरता नहीं है। तो ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ एंड द प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स है, या फिर अर्थ की खुद की मोशन है, या फिर आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट यहाँ से भेजे जाते हैं वो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, या फिर मोशन है मून की अराउंड दी अर्थ, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्स में वो किसकी वजह से चल रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है। देखो, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मासेस हैं m1 एंड m2, तो जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो इक्वल आता है और एक आता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विथ मासेस ऑफ m1 एंड m2, द इक्वेशन इज एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 एंड r² अपॉन r² वे जी। जी क्या है, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि इसके वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg². देन आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो ये बात हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले बात आती है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, एक तो है ये यूनिवर्सल फोर्स, दूसरा क्या है, अट्रैक्टिव, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, ये कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स को रिपेल नहीं करता है। सेकंड अगर हम बात करें तो इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज़। तो जैसे हमने इक्वेशन में बात की, तो इक्वेशन में हमने देखा कि m1 एंड m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक बन जाती है। थर्ड हम देखते हैं इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब है कि दो मासेस जिनके बीच में जो डिस्टेंस थी उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो क्या कर रही है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या, स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है ये, और वो भी कैसा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्थ हम प्रॉपर्टी देखते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए कोई भी इंटरवेनिंग मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और एक चीज़ क्या, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, कितना लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसकी रेंज जो है वो कहाँ तक है, देखिए पूरे यूनिवर्स में ये जो फोर्स है वो काम करता है। तो सबसे लॉन्ग रेंज अगर कोई फोर्स है तो वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन एक और बात आती है कि लॉन्ग रेंज तो है बट यहाँ पर ये सबसे वीकेस्ट फोर्स भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है। फिफ्थ हम बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, ये किसी भी दूसरे बॉडी के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। सिक्स, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स, ये बात आ गई, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स नॉन इन नेचर। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। तो ये किस पर एक्ट करता है कि दो मासेस है हमारे पास, उनके जो सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पर एक्ट करता है, तो ये क्या है, एक तरह से सेंट्रल फोर्स है। एट्थ, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज थॉट टू बी कर्स्ड बाय एन एक्सचेंज ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटोन, यानी यहाँ जो पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए यहाँ जो पार्टिकल है वो ग्रेविटोन आपको याद रखना है।
एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. ऑल बॉडीज फॉल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड ऑन देम बाय द अर्थ. अर्थ जो है वो एक फोर्स एग्जर्ट करती है सभी बॉडीज पर, सभी ऑब्जेक्ट्स पर जो अर्थ पर है. तो क्या होगा कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स इस अर्थ पर है वो उसकी तरफ गिरते हैं, उस पर फॉल होते हैं. तो वो किस वजह से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं, सबको पता है. सेकंड हम बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन. ग्रेविटेशन प्लेज अ की रोल इन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स. स्टार्स के बनने को हम किसके आधार पर देखते हैं? ग्रेविटेशन की वजह से ही देखते हैं. स्टार्स हैं, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन है एंड जो एवोल्यूशन है वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वो ग्रेविटेशन की वजह से ही पॉसिबल है. साइंटिस्ट नॉन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन. कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया ग्रेविटेशन की स्टडी के लिए? तो वो है, फर्स्ट हम जिसका नाम लेने जा रहे हैं, आइजक न्यूटन. तो न्यूटन ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, साथ ही साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन. तो इन्होंने भी अपनी इम्पॉर्टेंस दी है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी में. नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकंड हमारे पास जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसका मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही काम करने वाले हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कब बनते हैं? जब चार्ज रेस्ट में होता है. तो रेस्ट में वो क्या करता है? अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड क्रिएट करता है. तो दोनों फील्ड का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस क्रिएट करेगा, वही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ कैन क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सिंपल सी बात है, ये आपको डेफिनेशन देखनी है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल. सबसे पहले हमें बात करनी है कि ये जो भी फोर्सेस हैं वो किसके बीच में काम कर रहे हैं. जैसे हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस के बीच में काम करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करता है. वो दोनों जो चार्ज पार्टिकल है वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है. When charges are at rest, the force is given by Coulomb's law. देखो यहाँ जो Coulomb's law की बात हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो Coulomb's law काम करता है उसकी. क्यों? क्योंकि अभी चार्ज क्या है? रेस्ट में है. और क्या क्रिएट करेगा ये? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. देन Coulomb's law वर्क करता है यहाँ. अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस, मतलब अगर दोनों अलग अलग डिफरेंट चार्जेस है तब तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा. इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है. लेकिन अगर बात करें दो लाइक चार्जेस हैं तो वहाँ पर रिपल्शन फोर्स काम करेगा. ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर रिपल्शन फोर्स काम करता है. दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी रिपल्शन फोर्स काम करेगा. तो जैसे हमने बात की ग्रेविटेशनल फोर्स की, दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस के बीच में लगता है, ओनली अट्रैक्ट करता है वो दोनों बॉडीज को आपस में. लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, वो दोनों चार्जेस के बीच में काम करता है, और चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है कि वो जो फोर्स है वो रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है, वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है. तो एक यहाँ पर ये डिफरेंस बनता है ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में. नेक्स्ट हम बात करते हैं, चार्जेस इन मोशन, अगर मोशन में है तब क्या होगा? प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड अ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम. इसके लिए भी कोई भी इंटरवेनिंग मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो हम बात करते हैं कि अगर कोई चार्ज है रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वहाँ Coulomb's law अगर बात करें तो Coulomb's law का फॉर्मूला अपने पास होता है कि ये जो फोर्स है वो दोनों जो हमने चार्जेस लिए हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
और साथ ही दोनों चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस मान ले, हम स्मॉल आर भी ले सकते हैं या फिर स्मॉल डी भी ले सकते हैं, जो भी डिस्टेंस होगी इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ एक कांस्टेंट आता है के, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इस के की जो वैल्यू होती है वो 8.99 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होती है। इसको हम जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं 9 × 10⁹, क्योंकि 8.99 को हम जनरली 9 से ही लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस ऑफ पार्टिकल्स 1 एंड पार्टिकल 2। आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। देखो यहाँ फॉर्मूले में स्मॉल डी लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर है। इसका मतलब आपको सीधा सीधा ये समझना है कि कोई भी डिस्टेंस हो वो क्या होगी बिटवीन द पार्टिकल। स्मॉल आर दे रखा है यहाँ पर फॉर्मूले में, थोड़ा सा स्मॉल डी है, तो आप इसको स्मॉल डी ही मानकर चलना। स्मॉल डी क्या है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बारे में भी हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये हमने जान ही लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो तरह के चार्जेस काम करते हैं और दो तरह की कंडीशंस बनती है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, देन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है फोर्स वो ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड हम देखते हैं, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि इट इज़ 10⁻³⁶ टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अपन को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है इन दी नेचर। तो अगर उसकी स्ट्रेंथ हम कितनी कंसिडर कर ले, अगर 1 उसकी स्ट्रेंथ हमने कंसिडर कर ली, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे कितने गुना स्ट्रॉन्गर होगा, वो होगा 10⁻³⁶ टाइम्स उससे स्ट्रॉन्गर होगा। सेवेंथ हम पढ़ते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ द फोटॉन्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में बात की थी पार्टिकल्स की, जो कि ग्रेविटोन कहलाते हैं, और यहाँ जो एक्सचेंज होता है पार्टिकल्स का उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहेंगे फोटोन्स। उन्हें हम क्या कहेंगे, फोटोन्स कहेंगे। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। एक तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि 10⁻³⁶ टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, फोटोन्स होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, व्हेन ए स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड इट एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू द नेट रिपल्शन अट्रैक्शन बिटवीन इट्स नेबरिंग एटम। तो जैसे मान लो स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस किया जाता है, उसको स्ट्रेच किया जाता है, तो ये क्या करती है, एक फोर्स एग्जर्ट करती है इलास्टिसिटी का। तो वो कैसा होता है, उसका नेट फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव भी हो सकता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अपने नेबरिंग एटम्स पे क्या करती है, वो फोर्स क्रिएट करती है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। दिस नेट रिपल्शन और अट्रैक्शन इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स, न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, न्यूक्लियस से है, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जो फोर्स बन रहा है दोनों चार्जेस के बीच में बन रहा है, तो यहाँ क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। नेक्स्ट द वंडरवॉल वॉल्स फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडरवॉल फोर्स है ऑफ अ गैस इज नेट सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ भी वही बात आती है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्प्रिंग का, और साथ साथ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले वंडरवॉल्स फोर्स का। तो ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब हम बात करते हैं कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ देखने को मिलता है। ऑल द पार्टिकल्स विद आइदर इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑफकोर्स अ फोटोन। फोटोन हमने बात की, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटोन्स कहते हैं। इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन,
देखो यहाँ पर बात आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स। तो जो डैम बनते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर की बात करें हम, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ होता है। जनरेटर्स एट्सेट्रा वर्क ऑन दी फिनोमेना, डिस्क्राइब्स अ नंबर ऑफ फिनोमेना सच एज फ्रिक्शन, रेनबोज, लाइटनिंग। तो इन सब में भी किसका यूज़ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ होता है। इज द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकली ड्राइवन डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, लेजर्स एट्सेट्रा। तो इन सब में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जस्ट हम अपनी जो डेली लाइफ है उससे जोड़कर देख रहे हैं। तो आप फिजिक्स को जब भी पढ़ते हो, हर एक टॉपिक को आप जब सोसाइटी से, जब अपने डेली यूज़ में जोड़कर पढ़ते हो, तो आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है। आप उस पर धीरे धीरे रिसर्च करने लगते हो। तो यही आपको करना है, उसको डेली लाइफ से जोड़कर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर की बात हो रही है, तो एक तो इसमें आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और दूसरा आता है वीक न्यूक्लियर। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है वो किस पर बेस्ड होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ हम बात करें न्यूक्लियस की, यहाँ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स में सिर्फ न्यूक्लियस जो नाभिक है उसका हमें आइडिया रखना है। उसमें दो ही पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में ही जो फोर्स लगेगा वही क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। हमें न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाना है, न्यूक्लियस के अंदर ही दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वही क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब एक बात आती है कि प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में ये फोर्स लग सकता है, ये प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लग सकता है, और ये दोनों न्यूट्रॉन के बीच में या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लग सकता है। तो तीन टाइप से ये फोर्स काम करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। देखो हमने ग्रेविटेशनल की बात की, ग्रेविटेशनल वीकेस्ट फोर्स है। नेक्स्ट हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो वहाँ हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन कितने टाइम्स? वो 10^36 टाइम क्या है उससे स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अभी ये बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया, चारों में सबसे क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये कितने गुना ज़्यादा है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 times इसकी स्ट्रेंथ पावर जो है वो क्या है? अच्छी है। इट इज़ अ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ प्रोटॉन एंड अ प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है? जो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, तो वो कैसा लगता है? वो इक्वली काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट्स रेंज इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। अब देखो अगर इसके रेंज की बात करें तो वो एक्सट्रीमली स्मॉल होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का साइज़ ही 10^-15 मीटर होता है। तो आप देख सकते हो कि अगर एटम ही हमारे मतलब विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, तो न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा है। एटम के साइज़ की अगर बात करें तो 10^-10 मीटर होता है। उसी तरह से अगर उसके अंदर न्यूक्लियस की बात करें तो वो और भी छोटा साइज़ है, तो वो इनविजिबल है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर जो फोर्स काम करेगा वो तो बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स होगा। तो ये आपको ऑटोमेटिक चीज़ याद रहेगी ऑफ अबाउट न्यूक्लियर डायमेंशन। ये वही 10^-15 मीटर की रेंज में काम करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लिया। देखो एक चीज़ और है, यहाँ ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि न्यूक्लियस अगर स्टेबल होता है, रहता है, तो वो किस वजह से होता है? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। वरना हम एटम्स की जो स्टेबिलिटी है उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते थे। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वजह से ही जो एटम है वो बाइंड रह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन नॉन इन द नेचर विच इज़ अबाउट 10^38 स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ बात आती है, अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये 10^38 स्ट्रॉन्गर होता है। यानी यहाँ पर बात हो रही है 38 जीरोज़ की।
तो 3801 के आगे हम लगा दें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है, सिर्फ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग होता है 10^38 टाइम्स। तो ये डिफरेंस कंपैरिजन करके आपको चीज़ों को याद रखना है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, डेटास जो है वो आपको फैक्ट्स याद रहेंगे। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये अपन ने पढ़ी लिया है, दैट ऑपरेट्स ओनली ओवर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियर की साइज में ये काम करता है, जो कि क्या है 10^-15 मीटर। थर्ड हम बात करते हैं, इट इज़ बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स। बट अब यहाँ बात आती है कि कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है या फिर दोनों है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पास कैसा था, अट्रैक्टिव फोर्स था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों चार्ज के बीच में काम करता है, तो आपको याद रखना है दो कंडीशंस बनेगी रिपल्शन एंड अट्रैक्शन की। थर्ड हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये देखना है कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है वापस, इट इज़ बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स बट बिकम्स रिपल्सिव व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स बिकम्स लेस देन 0.5 फर्मी। एक फर्मी कितने के इक्वल होता है, 10^-15 मीटर, यानी न्यूक्लियस का जो साइज है वो 1 फर्मी के इक्वल होता है। लेकिन अगर उसका हाफ कर दिया जाए, 0.5 फर्मी कर दिया जाए, तो न्यूक्लियस के साइज का कितना हो गया, हाफ हो गया। तो इसमें बात आती है कि अगर न्यूक्लियस के पूरे साइज में ये फोर्स काम करता है तब तो ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए, यानी जो साइज है 10^-15 न्यूक्लियस का, उस साइज से अगर हाफ साइज में ये फोर्स काम करें, तो वहाँ पर ये फोर्स कैसा बन जाता है, रिपल्सिव फोर्स बन जाता है। नेक्स्ट है, इट वेरीज इनवर्सली विद सम हायर पावर ग्रेटर देन 2 ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट है, इट इज़ अ नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन सेंट्रल होता है एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इट हैज़ चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन प्रोटोन 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 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग। इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ कर्स्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल पाई मैसून्स। देखो आपको याद रखना है कि ये जो पार्टिकल्स है ये कभी कभी एग्जाम्स में अलग से पूछ लिए जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपको याद रखना है ग्रेविटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए आपको याद रखना है फोटोन। तो यहाँ देखिए, जो फोटोन की बात हम कर रहे हैं उसके लिए एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ कि जो फोटोन होता है उसकी, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच न्यू आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो न्यूक्लियर फोर्सेस बाइंड टुगेदर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को बाइंड करते हैं जिसके कारण न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल कंडीशन में आता है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई एंड हेंस द एटम्स एंड अल्टीमेटली ऑफ ऑल मैटर दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये किसको स्टेबिलिटी देगा, ये न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देगा। देन एटम जो है वो स्टेबल होंगे, देन मैटर स्टेबल होगा, और देन ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, वो जिस मैटर से बना हुआ है वो मैटर जो है वो स्टेबल है। इसलिए यूनिवर्स की स्टेबिलिटी जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी अकर्स इन हैवियर न्यूक्लियाई बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज यूजफुल इन ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर एनर्जी वी द प्रोसेसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। देखो फिजन एंड फ्यूजन जो रिएक्शंस हैं उसका 12th में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, वहाँ हम बात करेंगे इन दोनों रिएक्शंस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। तो कोई भी न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि सब में ही ये वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करें, लेकिन एक न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके अंदर बीटा डीके हो रहा हो,
बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस, सिर्फ उसी में ही क्या होगा, क्योंकि बीटा डीके जो है वो क्या इमिट करता है, एक न्यूक्लियस से अगर बीटा डीके हो रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन एंड एक अनचार्ज पार्टिकल को इमिट करता है, वो बाहर निकालता है। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो यहाँ बात आती है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स तो है, ये वीक है, लेकिन इससे भी वीक कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल, दूसरा वीक उससे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर, और उससे जो स्ट्रॉन्ग है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसमें यह बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे वीक नहीं होता है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है, बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होता है। द रेंज ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सीडिंगली स्मॉल, ये स्मॉल होता है, ऑफ दी ऑर्डर ऑफ 10^-16। देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है कि 10^-16 मीटर में ये फोर्स काम करता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इज गवर्न्ड बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स, बिकॉज दीज पार्टिकल्स कैन एक्सपीरियंस ओनली वीक इंटरेक्शंस एंड नॉट दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। क्योंकि ये जो भी है एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में, तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा, वो वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है। तो जो फोर्स काम करेगा वो भी क्या होगा, वीक इंटरेक्शन फोर्स होगा, वीक फोर्स होगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^25 टाइम्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज, ये सिर्फ न्यूक्लियर साइज में काम करेगा 10^-15 में। और साथ ही हम कभी कभी ये डाटा भी देखते हैं, यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेट आ रहा है, अप्रोक्सीमेट अगर हम नहीं लिखते हैं तो 10^-16 भी हम इसको लिख सकते हैं। द मैसेंजर पार्टिकल्स, अब यहाँ पर पार्टिकल्स की बात हो रही है, दैट ट्रांसमिट द वीक फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द मैसिव वेक्टर बोसोन। तो यहाँ जो भी पार्टिकल होंगे वो कौन होंगे, क्या होंगे, बोसोन्स होंगे। अब एक टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है, इस टेबल में आपको ये देखना है कि जितने भी अभी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप देख लीजिए। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, तो अगर इसको हम कंसिडर करते हैं 1 strength, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से जस्ट स्ट्रोंगर है, वो कितना स्ट्रोंगर है, 10^25 स्ट्रोंगर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^36 टाइम स्ट्रोंगर है। देन हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ हमने 1 कंसिडर की है, उससे 10^38 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है। रेंज अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों की लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। कितनी लॉन्ग रेंज हम बात कर सकते हैं, इसको इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं दोनों की ही। एंड वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की बात करें, तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। न्यूक्लियर का जो साइज है 10^-15 अप्रॉक्सीमेट, उतनी डिस्टेंस में ये काम करते हैं। पार्टिकल्स ऑन विच फोर्स एक्ट्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑल पार्टिकल्स पे काम करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर काम करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में काम करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें तो वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में काम करता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, सिर्फ उन्हीं के बीच में वो काम करेगा। अगर हम बात करें मैसेंजर पार्टिकल्स की, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटॉन, इसको याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए वेक्टर बोसोन्स याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए फोटोन याद रखना है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए आपको मेसोन्स याद रखना है। तो यहाँ हमने बात कर ली है फिजिकल वर्ल्ड का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था फॉर फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं यूनिवर्स के, वो हमने बात कर लिए हैं।
और फिजिकल वर्ल्ड का जो चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने पूरे डिटेल में पढ़ लिए थे सारे टॉपिक्स, लेकिन ये जो फोर्सेस की बात आई यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी था, तो आज हमने बात कर ली है इन फोर्सेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का होने वाला है। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, और पहले तो मैं PPT के ज़रिए आपको समझाऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि कंसेप्चुअल है, थ्योरी बेस्ड है, तो वो तो हम PPT से समझेंगे। लेकिन अगर डेरिवेशन की बात आती है तो नेक्स्ट हम इसका सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे ही इसको समझने वाले हैं। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, और जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।